जय माँ काली। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल के जमाने में हर इंसान छोटी छोटी बातों पर वशीकरण करना चाहता है। वशीकरण अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन को, उसकी भावनाओं को और उसके अनुभवों को आप अपनी तरफ मोड़ ले, अपने अनुसार कर ले। जी हाँ, अर्थात वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके मनो अनुकूल, मन के अनुसार व्यवहार करे, उसे हम कहते हैं वशीकरण। जो आप करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी यह विधि या फिर यह उपाय का प्रयोग करें, क्योंकि इसके लिए कुछ नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका आपको पालन करना होता है। मित्रों, अगर आप इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि आपको अटल विश्वास होना जरूरी है इस काम के ऊपर, तभी हर प्रयोग आपका इच्छित परिणाम देगा। आज एक महाशक्तिशाली वशीकरण का मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, किन विधियों का पालन करना है, ध्यान से सुनिए ताकि आप इच्छित व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपने वश में कर लेंगे। इस विधि को मित्रों, सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस मंत्र को कम से कम 5 माला जाप करनी है। मंत्र का जाप अकेले में कर लीजिए 5 माला, और उसके बाद जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं, चाहे वह आपके मालिक हो, आपकी पत्नी हो या पति हो या फिर दोस्त हो, जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं, उसे देखते हुए इस मंत्र को 7 बार बोलिए। ध्यान रखिएगा, जब आप उसे बोलेंगे तो अगले दिन ही इस विधि को करना है, यह अगले दिन ही काम करेगा, उसके बाद यह जागृत नहीं रहता, यह सुप्त हो जाता है मंत्र की शक्ति। तो 7 बार बोलना है देखते हुए, बाकी का काम खुद ब खुद मंत्र की शक्ति कर देगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए, ओम हुम चिम चिमी फट स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, ओम हुम चिम चिमी फट स्वाहा। जी हाँ मित्रों, बस इतना करना है, और इसके करने के बाद आप खुद ब खुद देखेंगे इस मंत्र की शक्ति से और इस मंत्र के जो जादू है उससे सामने वाला व्यक्ति किस तरह से आपके मनो अनुकूल हो गया है और उसका हाव भाव व्यवहार बदल गया है। जय मां काली। मित्रों।